श्री राजपूत करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी की विधवा पत्नी शीला शेखावत ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की विधवा पत्नी शीला शेखावत से खास बातचीत की है। हमारे साथ में है सुखदेव सिंह गोगामेडी की धर्मपत्नी, जो लगातार न्याय की मांग कर रही है और पिछले 80 दिनों से सरकार के आश्वासन पर जिंदा है। अब क्योंकि दुख का घड़ा फूट चुका है, हम बात करेंगे। शीला जी, सबसे पहला सवाल कि आपने क्या सरकार की तरफ से क्या वादे किए गए थे आपको? सर, हम जो 5 दिसंबर को, खैर मेरी वो हालत नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन मैं मतलब मेरे को लाया गया था और जो वो पत्र था, मांग पत्र, 11 मांगे थी हमारी, वो मुझे दिखाया गया। मुझे याद तो नहीं था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैंने देखा और मैंने हामी भरी और सरकार ने हमें बताया कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन क्या है, अभी 80 दिन बीत चुके हैं, 80 दिन के बाद भी हमें कोई भी ये नहीं है कि भाई कोई आश्वासन अच्छा मिला हो कि नहीं आपको 2 दिन में न्याय मिले, 3 दिन में न्याय मिले। हमें मतलब अभी तक कोई सा संतुष्टि पूर्ण कोई जवाब नहीं मिला। क्या कारण है, क्योंकि सरकार के अंदर में बहुत सारे मंत्री राजपूत समाज से भी आते हैं, तो उनकी अनदेखी तो नहीं हो रही है इस प्रकरण के अंदर में? अनदेखी, अब क्या ही बताऊं सर, मेरे को नहीं पता वो लोग आवाज उठा रहे हैं नहीं उठा रहे, लेकिन जिन जिन लोगों ने हमारा साथ देने का वादा किया था, आज वो लोग पीछे हो रहे हैं। तो ये पीछे क्यों हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर बार कहते हैं कि चलो कभी कौन सी सरकार आती है, कभी कौन सी सरकार आती है, लेकिन मारा कौन जाता है? एक आम नागरिक, जिसमें आम नागरिक में चाहे सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगा लीजिए, क्योंकि मारे तो हम गए ना, क्योंकि परिवार मरता है, सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता। सरकार तो क्या है, 5 साल में बदली जाती है। अब सरकार से आपकी क्या मांगे हैं जिससे कि सरकार को आप अपनी तरफ, क्योंकि आप एक यात्रा भी निकाल रहे हैं 3 मार्च को, तो क्या मांगे रहेगी आपकी? मेरी जो 11 मांगे थी ना, उनमें से 2 मांग मानो की मानी है इन लोगों ने, कि एनआईए की जांच, वो मैं आपको बता रही हूँ, एनआईए की जांच हमने नहीं मांगी थी। हमें किसी ने बताया कि भई आपको अगर न्याय लेना है तो एनआईए की जांच मांगो, तो एनआईए की जांच हमने मांगी, तो एनआईए की जांच हमने मांगी, लेकिन एनआईए की जांच में हमें क्या फायदा मिला? हमें तो कुछ फायदा मिल ही नहीं रहा। वो घर घर के लोगों को, 4-5 है, उनको बुला लेते हैं, अब ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मतलब अदर जगह से भटका करके एनआईए जांच सिर्फ हमारे ऊपर ही ला रहे हैं। उनका टारगेट क्या है क्या नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि मेरा राज सवाल है, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम सरकार से इच्छा मृत्यु की भी मांग रखेंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए, फिर पहले मैं आपको बताया ना, 3 मार्च को पैदल मार्च न्याय यात्रा के रूप में मैं निकालूंगी। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो फिर जीने का कोई फायदा भी नहीं है। तो ये थी सुखदेव सिंह गोगामेडी की धर्मपत्नी, जो लगातार सरकार से न्याय मांगने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। पिछले 80 दिनों से सरकार ने सिर्फ जो अब 11 सूत्री मांगे थे उसमें 2 मांगे मानकर इनको अनदेखा कर दिया गया है, क्योंकि एक बात साफ तौर पर दिखाई देती है कि अगर सरकार से न्याय मांग सकते हैं तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। और सुखदेव सिंह की जिस प्रकार से हत्या की गई, उसके बाद में लगातार ये मांग उठती हुई आई है कि सरकार परिवार को न्याय दे, नौकरी दे। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, AMB नेटवर्क, जयपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMB नेटवर्क।